वाह, चारों तरफ क्या नजारा है देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए, न्यूज चाहिए ना। खबर को सुन ही लेते, ये तबाही कैसी है। रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए के पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल रंजिश लगती है। ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। अब बताइए, अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अशोक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? देख अशोक, मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जा। और उसके बाद क्या करूंगा? अरे उसके बाद तो सब कुछ मैं बताता हूँ। वो मुझे मार देगा, मुझ तक जो भी आएगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके आदमी हर तरफ तुझे खोज रहे हैं। ऐसा क्या घूर रहा है मुझे? मारेगा, मारना मारना। ये दवा लेकर छोटू के पास जा। तू भी चल। के बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते माँ जी। मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं है माँ जी।
शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो जैसे मैं घूमता हूँ, सीना चौड़ा करके, एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। एए! अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है, यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चलाना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूँ। ए चाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल भाका कर सके जो जग पैरी होए, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गज्जू का है? हॉस्पिटल में है भाई। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर अशोक जन बकवास कर रहा था भाई, वो हमको चुना लगा गया। कौन हो तुम लोग? के सर, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, आपसे कोई जरूर गलती हुई है। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। तो अशोक को समझा दो। सर ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है, यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम उसे नहीं जानते, बस इतना याद रखो, ओकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमारे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमारे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ए, 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 ए। उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल। ए। हाँ। अंकल डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है, दो ना अंकल प्लीज। अंकल उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल, ये लीजिए चॉकलेट। ये काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। बच्चा सब मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है।